गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से थर्ड टर्म स्टार्ट होने जा रहा है। इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 12 द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, गीतों का गीत। बिफोर वी स्टडी, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसका ब्रीफ पढ़ेंगे। द गुरु शिष्य रिलेशनशिप इज सिंबलाइज्ड बाय रेस्पेक्ट एंड ट्रू डिवोशन। गुरु शिष्य का संबंध सम्मान और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। This is evident in the relationship of Tansen and his guru Sant Haridas, जो कि तानसेन और उसके गुरु संत हरिदास इस संबंध को दर्शाते हैं। Slowly, gently, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. जितने भी थके हुए संगीतकार थे वो धीरे धीरे अपना तानपुरा कालीन पर रख रहे थे। तानपुरा एक गिटार टाइप का होता है जो संगीतकार गाते समय बजाते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हो, इसको हम तानपुरा बोलेंगे। द एग्जॉस्टेड स्ट्रेन ऑफ राग दरबारी स्टिल वाइब्रेट विद द हॉल। संगीत की जो मधुर आवाज़ थी वो अभी भी हॉल में गूंज रही थी। एम्परर अकबर लुक्ड अप हिज आइज हिट विद एडमायरेशन। सम्राट अकबर प्रशंसा भरी आँखों से ऊपर देखते हैं। वंडरफुल ही सेड, सुपर्ब, आई लिसन टू यू एवरी डे बट आई कैन नॉट सीम टू हैव इनफ। अद्भुत, बढ़िया, मैं आई लिसन टू यू एवरी डे, अगर मैं तुमको रोज सुनूंगा बट फिर भी आई कैन नॉट सीम टू यू टू हैव इनफ। फिर भी यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। तानसेन लव्ड इन साइलेंट ग्रेटिट्यूड। तानसेन प्यार भरे मौन में आभार प्रकट करते हैं। आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल बॉयज इन द वर्ल्ड सेड अकबर। अकबर ने कहा, मैं सोचता हूँ कि इस संसार में तुमसे अच्छी आवाज़ किसी की नहीं होगी, या तुम्हारी संसार में सबसे अच्छी आवाज़ तुम्हारी है। बट आई डू नॉट सहनसा, लेकिन मैं नहीं हूँ सहनसा।